ये कैसी खतरनाक दुनिया में आ गया हूँ मैं, और मेरे ऊपर नाव भी उड़ रही है। ये कैसा नाइट मोड है जो ऊपर से रास्ता ही नहीं दिख रहा। पोचिंग की तो गलियां ही बना दी हमने, ऊपर नीचे रास्ते ही ढूंढ रहे हैं। इतने सारे ड्रॉप एक साथ पड़े हुए हैं। तो ये है वो 6th एनिवर्सरी वाला एयरड्रॉप। क्या हाल है, कैसे हो आप? आज बहुत ही स्पेशल अपडेट आया है, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा ये। आज हम अलादीन बनने वाले हैं BGMI में। वो रही सामने अलादीन की दुनिया, नया मिरर वर्ल्ड। 6th एनिवर्सरी अपडेट में BGMI में नया बहुत कुछ है, काफी सारे मिनी गेम्स है, काफी सारे ट्रेजर हंट्स हैं। लेकिन सिर्फ एक ही आइलैंड नहीं है, दो दो आइलैंड है एक जैसे दिखने वाले। पर सबसे पहले अलादीन मोड का स्पॉन आइलैंड देख रहे हो, कैसे नाच रहा विक्टर, धुमता ना करंट निकल रहा है पैरों में से। यहाँ से वहाँ मून वॉक करते हुए, और फिर मून वॉक करते हुए आगे, फिर मून वॉक करते हुए वापस। बढ़िया डांस चल रहा है यहाँ। सामने कारपेट भी नाच रही है, चटाई नाच रही है अलादीन वाली। और ये मैच हो गया शुरू, और मैच शुरू होते ही सामने दिखा रहा है 6th एनिवर्सरी। यहाँ थोड़ा सा भूचाल आता है, प्लेन कांपता है, भूचाल वाला प्लेन दिखाया है, और अब आइलैंड पे दिखा दिया नया अलादीन आइलैंड। इसलिए अब हम चले अलादीन के जीनी से मिलने, सामने जिन बैठा होगा उससे मिल के आते हैं। पूरे मैच में 8 एक्स्ट्रा लाइफ कार्ड्स मिलेंगे। जीनी से मिलोगे तो वो 4 देगा, दूसरे से मिलोगे वो भी 4 देगा। दो आइलैंड है ना, तो दोनों जीनी से मिल लो और वो 8 कार्ड दे देंगे तुम्हें। ये उठा लिया मैंने अपना लाइफ कार्ड, तो कोई एनिमी भी आके उठा लेगा तो उसे भी एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी, समझ रहे हो? तो जो उठाएगा उसे मिलेगी, और यहाँ 4 कार्ड पड़े मिलेंगे। तो आइलैंड पे इधर आओ, विश मांगो, जीनी हाजिर। पर वैसे जिन तो यार चिराग घस के नहीं निकलता था, चिराग घिस के जीनी आते थे, या हम बटन दबा के जीनी आ रहे हैं। भाई क्या हो रहा है अलादीन मोड में, चिराग तो घिसवाते कम से कम। फ्लाइंग कारपेट कहां कहां से मिलेगी, जीनी देगा एक तो, उसके अलावा आइलैंड पे ऊपर भी पड़ी मिल सकती है। इसके अलावा ट्रेजर हंटिंग करो, रेंगल मैप पे खजाना ढूंढो, खजाने के बक्सों में कारपेट निकलेगा। लेकिन अलादीन मोड में भी हॉट ड्रॉप दबा के होने वाला है, क्योंकि दो दो तो एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है, दो दो रिकॉल मिल रहे हैं, और एक तो आइलैंड वाला है ही, मतलब 3 रिकॉल। अलादीन के कालीन पे पीछे बैठा बंदा गोलियां चला सकता है, SMG, AR जो मर्जी चलाओ पीछे बैठा हो बंदा। लेकिन ये अलादीन की कालीन अपार्टमेंट की छत पे नहीं उतर पा रही, या तो ज्यादा ऊंचा उड़ रही है या ज्यादा नीचे उड़ रही है, बीच का नहीं उड़ रही, समझ रहे हो? तो इससे खुद ही कूदना पड़ेगा, ये नहीं लैंड हो रही छत पे। मतलब मैं इस कालीन को यहाँ लाया छत पे, और उसके बाद मैंने थोड़ी ऊंची उड़ाई, और ऊंची उड़ाने के बाद तब जाके मैं अपार्टमेंट की छत पे लैंड हुआ हूँ। लेकिन ये अलादीन वाला कालीन उड़ाता भी है और गोलियों से बचाता है, समझ रहे हो? इसे बराबर में खड़ा कर दोगे तो शील्ड बन जाती है इससे जबरदस्त वाली। मतलब ये कालीन अपने आप कवर बना देती है, इसके पास जाओ तो ये कालीन खड़ी हो जाती है और गोलियों से बचाती है। फिर इसके बाद है ठुमके लगवाने वाला ग्रेनेड, ऐसा नेड जो तुम्हें कथकली करवाता है, नाच नचवाता है, देख रहे हो तुम? मैंने इसे फेंका, इसके अंदर जो भी बंदा है वो नाचना शुरू हो जाएगा, ये जीनी प्रकट हो जाता है पता नहीं कहां से, और ये जीनी सबको अपनी धुन पे नचाता है। तो जैसे देखो अपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले लो, मान लो यहाँ दो बंदे खड़े ऊपर कैम्प कर रहे हैं, अब ये मारा मैंने सटाके डांसिंग ग्रेनेड, नेड फटा और ऊपर ही नहीं नीचे भी ये गुब्बारा सा बन जाता भाई इसका, और इस गुब्बारे के अंदर जो जो आएगा सब ठुमके लगाएगा। लेकिन अब ये देखो, एक फ्लोर नीचे अगर मैं डांसिंग ग्रेनेड फेंकूंगा तो भाई नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले ठुमके लगा रहे हैं, समझ रहे हो तुम? अगर ऊपर छत पे कोई बंदा है, ऊपर वाले फ्लोर पे कोई बंदा है, नीचे वाले फ्लोर पे नेट फेंक के मारो, उसकी गन जेब में, क्योंकि गोली चला नहीं सकते तुम। एक बार डांसिंग ग्रेनेड के अंदर आए तो गन अपने आप पीछे लग जाती है, गोली चलनी बंद हो जाती है अपने आप, कुछ नहीं कर सकता बंदा, देख रहे हो? दोबारा फेंक के मारते हैं एक बार, और फिर से दिखाते हैं तुम्हें, ये देखा फेंका मैंने, ऊपर देखो क्या हो रहा है। मतलब इससे एनिमी का काम 25, ये लो नॉक। लेकिन अब ये क्या है इसके आगे, देख रहे हो? शील्ड है, पोर्टल है, दोनों है, शील्ड भी है, पोर्टल भी है, आओ देखे कैसे। तो गाइस सामने पोर्टल है, और बग्गी यहाँ से वहां पहुंच गई, देख रहे हो तुम? और फिर इसके आगे ये वाला स्टंट तो और भी खतरनाक होने वाला है, देख रहे हो तुम अलादीन मोड में क्या चल रहा है? दासिया घुसी पानी में, डूबी नहीं, पोर्टल के आर पार। फिर अब तो मिस्टर इंडिया ही बन गया भाई, यहाँ कूदा और गायब, नीचे कूद के गायब और सीधा छत पे प्रकट हो गया। या फिर ये देखो पोर्टल ही बनाना, शील्ड बना लो भाई, थोड़ी देर के लिए कुछ गोलियों से ही बचा लेगी, देख रहे हो? गोली नहीं लग रही आगे। अब वैसे तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये दिखा रहा हूं मैं आपको, आगे दिखाता हूं और क्या क्या करिश्मे कर सकते हैं इससे। तो अभी तो देखो मैंने ऐसे पोर्टल खोला, सामने मार करा और सीधा ऊपर छत पे। तो सिर्फ नाइट मोड ही नहीं, अलादीन मोड में नाइट मोड आ गया है, देख रहे हो तुम कितना अंधेरा है भाई यहाँ पे, दूर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम यहाँ नाइट मोड में ट्रेजर हंटिंग करेंगे। ये अलादीन वाले मोड के मैच शुरू होते ही जेब में, बैग में एक मैप मिलता है, नक्शा सबको मिलेगा,
वो सारे प्लेयर्स को। नक्शा खोलोगे तो नक्शा खोलते ही ट्रेजर मिल जाते हैं और फिर इनको खोलते ही मिलनी है लूट। लेकिन इस लूट के अंदर एक ऐसी बहुत ही खुफिया चीज है जो ढूंढनी है हमें, जो मिल गई, ये रही चाबी, ये सीक्रेट की है। ये देखो मैप पे जहाँ लाल लाल है वो तो सारे ट्रेजर है, मतलब वहाँ खजाना है, और मैंने जहाँ अभी मार्क लगाया है यहाँ मिलेगा एक दरवाजा, एक गुफा। तो सबसे पहले मिल गई हमें चाबी, अब हमें इन तीनों में से किसी भी जगह चले जाना है उस गुफा के अंदर, और इसलिए मैंने यहाँ आते ही जल्दी से सबसे पहले इसे खोल लिया। कोई और भी तो खोल सकता है, तुम्हें सबसे पहले आना पड़ेगा अगर इसके अंदर का खजाना चाहिए तो। मैंने कुछ इस तरह से इसे आकर खोला और खुलते ही अंदर चले जाना है। फिर जो जो तुम्हें ऊपर अलादीन आइलैंड पर मिलता है वो तुम्हें यहाँ भी मिल सकता है। देख रहे हो ये तो हमें मिल गया पोर्टल, मतलब जो शील्ड और पोर्टल है वो मिल जाएगा यहाँ। यहाँ डांसिंग ग्रेनेड भी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलता है इधर। लेकिन मुझे तो अब यहाँ खोलनी है खजाने की पेटी। इस खजाने की पेटी के अंदर कालीन मिलता है, अलादीन वाला कारपेट। देखता हूँ मुझे मिलता है क्या। तो यहाँ लेवल 3 लूट मिल गई और ये रहा कारपेट, कारपेट भी मिल गया मुझे इसके अंदर। और जो शॉप से एक्सटेंशन मिलती है वो भी है, डांसिंग नेट भी है, पोर्टल भी है, पता नहीं क्या क्या है भाई, बहुत कुछ है, काफी हैवी लूट है अंदर। तो मैंने तो जल्दी से यहाँ कालीन निकाल लिया अलादीन वाला, मैं इस पे बैठ के यहाँ से छटक लूंगा, निकल जाऊंगा अब यहाँ से सैर करने। बाकी बोर्ड में देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है हमें यहाँ। तो इसे लेकर सबसे पहले तो हाई मोड पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि अभी कालीन चल रहा है लो मोड पे, इसे हाई मोड पे भी तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो जाके हम बाकी सारी चीजें ढूंढ पाएंगे कि मैप पे क्या क्या मिल रहा है हमें। लगा दिया मैंने मैप पे मार्कर, अभी इसे लगाता हूँ हाई मोड पे और निकल लेते हैं यहाँ से। देख रहे हो कैसे फटाक से कितनी ऊंचाई पे उड़ने लगता है ये अचानक। और अलादीन मोड का सबसे पहला मिनी गेम, शूटिंग मिनी गेम। मैंने बहुत गोलियां मारी इन लटके हुए तमूरों पर, कुछ हो ही नहीं रहा था भाई, गोली मार रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। पहले एक एक बार मारी तो कुछ अंतर हुआ, देख रहे हो मैंने मारी कुछ लाइट सी चमकी। इसलिए थोड़ी देर बाद जाके मुझे समझ आया करना क्या है, एक एक गोली सब पे मारनी है, सिंगल टैप, समझ रहे हो। दो गोली लग गई तो रीसेट हो जाएगा, दो गोली नहीं लगनी चाहिए, सब पे एक 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 एक। और फिर जैसे ही मैंने इन सब तंबूरों पे एक एक गोली मारी, इन घंटियों पे जो भी है ये, तो अचानक से पेटी खुल गई और एक छोटी सी लूट निकल गई इसमें से। छोटी सी लूट में एटेक्स मिला है पर। तो ये घंटियां अलादीन मोड में पूरे रैंगल मैप पर है भाई, ये यहाँ कर भी कर लो इस गेम को तुम। लेकिन ये एक मिनी गेम नहीं है, और भी अलग तरह के मिनी गेम है। देखो अभी तो एक एक मारनी है, समझ आ गया, सिंगल टैप भी कर लिया मैंने, सिंगल पे स्विच करा और उसके बाद एक एक मारा और पेटी खुल गई, सिंपल। लेकिन ये क्या, ये एक नया मिनी गेम है, केक मिनी गेम। इस केक मिनी गेम में कुछ नहीं करना है, आगे जाना है, पता नहीं ये क्या बांसुरी सी पड़ी है, बांसुरी बजानी है, और बांसुरी बजाने पर केक तैरता हुआ नीचे आएगा, उतरता हुआ, देख रहे हो। और फिर जैसे ही एक बार केक नीचे आ जाएगा फिर नीचे लूट गिरेगी, और इस लूट को भी उठा सकते हो, और पास जाने के बाद सेल्फी भी ले सकते हो। तो जैसे ही दबाया मैंने बटन, बटन दबाते ही पीछे जिन आया ठुमके लगाता हुआ, और ये जीनी मेरे बाजू में आगे खड़ा हो गया और इसके साथ ले ली सेल्फी। तो इस एनिवर्सरी मोड में अलादीन वाले अपडेट में यहाँ पे एक और मिनी गेम दिखा, ये बलून मिनी गेम है। ये उठाया हमने भाला और भाले को नापा गुब्बारे से, और गुब्बारा फोड़ना है अब इससे। तो जैसे ही गुब्बारे पे एम लगे, एम लगते ही इसको फेंक दो, और फेंकते ही गुब्बारा फूटेगा और नीचे गिर जाएगी पेटी, और इस पेटी को उठाओ मां लपेटो और निकल लो। क्योंकि अलादीन मोड वाला ये वाला मिनी गेम कुछ ऐसा है, इसमें जीतने पे तो मिलेगी पेटी पर हारने पे मिलेगी बेइज्जती। ये देख लो सामने लगा है भाई निशाना, निशाना गया छूट, इसलिए मुंडी गई फूट, हो गई बेइज्जती। वैसे अलादीन वाले मोड में इरेंगल मैप पे अलादीन टाउन भी है। ये देखो एक अलादीन टाउन हमें यहाँ मिला, अगरबा तो सुना है ना तुमने, अगरबा जैसा लग रहा है, मिनी अगरबा लग रहा है मुझे, मिनी अलादीन टाउन है। यहाँ पर भी स्पेशल लूट मिलती है, इवेंट सेक्शन है ये। वैसे यहाँ पर ही नहीं, ऊपर अलादीन आइलैंड पर भी ये ईट केक ट्रिक मिलेगी, इस केक को खाती बूस्ट हो जाते हो तुम, देख रहे हो 1/3 बूस्ट हो गया है, 30% 30% बूस्ट हो जाता है इससे, एक बार में दोबारा खाया हमने और बूस्ट हो गया। लेकिन ये क्या देखा हमें मिनी अलादीन टाउन में, मिनी ट्रेजर। यहाँ अंदर क्या है, इसे ओपन किया मैंने, अंदर गए तो एक और जगमगाती हुई पेटी रखी है। इस पेटी को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है भाई। एक हेलमेट, कुछ पैसे, फर्स्ट एड किट, 2x स्कोप, एक शील्ड है, मॉली है, डीपी है, ये वाला हंसने वाला ग्रेनेड है। सही है, बढ़िया लूटे हैं अभी। ये क्या देखने को मिल रहा है, तीन तीन एयर ड्रॉप एक साथ। ये तो नॉर्मल सी पेटी लग रही है मुझे, पर इस नॉर्मल सी पेटी में भी कालीन मिल गया, कारपेट था इसके अंदर, M24 है, 8x है। लेकिन 6 एनिवर्सरी क्रेट में क्या मिलेगा, खोल के देखते हैं। ओ तेरी, देख रहे हो क्या मिला इसमें, एक्स्ट्रा लाइफ कार्ड मिल गया गाइस, मतलब कि जो जीनी कार्ड देता है वही एक एक्स्ट्रा रिकॉल वाला कार्ड यहाँ से भी मिल जाता है। तो पैच नोट्स वाले वीडियो में बात कर रहे थे कि यार बंदों को उड़ाने वाली तोप दिखनी चाहिए, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर नाव में फिर से, कुछ इस तरह से ऊपर गए नाव में। इसका टाइम होता है, टाइम पे पहुंचोगे तो ही नाव पकड़ पाओगे, वरना नाव निकल जाएगी। और फाइनली मिल ही गई हमें ये सेलिब्रेशन वाली कैनन, ये आतिशबाजी वाली तोप। इसमें पटाखे फोड़ो, 6th एनिवर्सरी दिखाओ, या फिर खुद को फोड़ो, खुद को कह
ऐसे आओ देखते हैं। हमारे सामने दो बटन है, नीचे वाला दबाओ तो खुद को उड़ा लोगे। देख रहे हो, ऐसे खुद को उड़ा लो, पैराशूट भी खोल सकते हो, या फिर दूरबीन के मजे ले लो भाई। दूरबीन से दूर का व्यू मिलता है, इससे दूर से पूरी नाव देख सकते हो तुम। ऐसे कैसे नाव जा रही है भाई, हवा में चप्पू की जरूरत क्या है, मुझे बात समझ नहीं आई। चप्पू क्या कर रहे हैं हवा में उड़ती नाव। और अब बनने जा रही है विक्टर मिसाइल। विक्टर अंदर फंसा दिया गया है, अब तोप चला दी गई है। देख रहे हो कितना ऊंचा उड़ रहा है यहाँ से विक्टर, अब सीधा तोप की गोली की तरह नीचे मुंह के बल गिरते हुए। यार कतई स्लो मोशन में गिर रहा है, तो थोड़ा तो तेज गिराना चाहिए था, कितना धीरे धीरे गिरा है। वैसे कहीं भी ना जाना हो, कहीं भी ना लूटना हो, तो नाव पे भी लूट होती है। देख रहे हो यहाँ पर भी पेटी पड़ी है, इस पेटी को भी खोल के लूट सकते, लेकिन खुद की तोप ना बनवानी हो तो ऐसे डायरेक्ट ही कूद जाओ। कूदती पैराशूट खुल जाता है और जहाँ जा रही है नाव उसके नीचे ऐसे बंदा उतर जाता है। होमलैंड अपडेट, कॉम्बैट और लॉबी के बाद तीसरा ऑप्शन दिख रहा है होमलैंड, और यहाँ पे स्मूथ के साथ ये बैच क्या दिख रहा है यार। बैच 1.0 कितने FPS है ये, 90 के 120? मेरा तो 90 पहले था ही नहीं, अब कैसे आ गया? तो आखिर क्या है होमलैंड अपडेट? माइनक्राफ्ट लग रहा है मुझे तो ये BGMI वालों का, जैसे माइनक्राफ्ट PC का होता है ना, यहाँ भी वही सब कुछ दे दिया है भाई इसके अंदर। वाओ मोड का सेक्शन है ये, तो जैसे घर बनाने के लिए डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा करते रहते हो, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ भी डब्बे में डब्बा करना है भाई। अपना अलग से होम दे दिया है, इस होम के अंदर अपनी दीवारें लगाओ, जो करना है करो, फर्नीचर खरीदो, बहुत कुछ है। क्योंकि फर्नीचर खरीदने के लिए एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है, और हर मैच जो तुम खेलोगे रैंक्ड मैच इस नए अपडेट में, तुम्हें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इसके आइटम्स भी मिलेंगे और करेंसी भी मिलेगी। आओ दिखाता हूँ वो कैसे मिलने वाली है, पहले ये कंप्लीट कर दे फटाक से एक बार। और इसी के साथ मैंने अपना एक छोटा सा घर यहाँ होमलैंड अपडेट में बना लिया है। अब इस घर के अंदर मैं डालूंगा फर्नीचर खरीद खरीद के चियर पार्क से। चियर पार्क में तो शॉपिंग सेंटर खोल दिया है ना भाई उन्होंने। वैसे तुम चाहो तो एरिया अपग्रेड भी कर सकते हो, अभी के लिए तो मैंने घर हटा दिया है यहाँ से, और बड़ा बनाएंगे तो छोटा सा था, एरिया अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो होमलैंड लूट मिल रही है हमें मैचेस खेल के, और ये रही होमलैंड लूट की करेंसी। यहाँ पे 150 मिली है मुझे एक मैच कंप्लीट करके, मतलब मैच खेलने से मिली करेंसी। अब उस करेंसी से यहाँ आगे कर लो परचेज। ये रहा शॉपिंग सेंटर चियर पार्क के अंदर, इसके अंदर बहुत आइटम पड़ा हुआ है, जो मर्जी चाहे खरीद लो, जितनी करेंसी है उतना ले सकते हो। फिर इसके आगे है न्यू गन अपडेट, P90 चेंज हो चुकी है। ये पोर्टल में से तो मैं आर पार निकल ही रहा हूँ, ये देख रहे हो तुम, ये पोर्टल मैप के ऊपर दिखता है। तो अगर किसी बंदे ने ये पोर्टल बनाया है ना ऐसे, तो सबको पता चल जाएगा कि वहाँ किसी ने ये बनाया है, मैप पे सबको दिखेगा ये। और ये रही P90। अभी पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो चाइनीज वर्जन है इसका मोबाइल वाला, उसके लिए ऐसा वेपन कर रहे हैं, और ये देखो जैसा चाइनीज वर्जन में बिल्कुल वैसा ही यहाँ आ गया, जैसा वहाँ वैसा यहाँ सेम हो गया, बिल्कुल चाइनीज वर्जन जैसा। ओके, तो ये एक इंट्रो था, मतलब मैंने बेसिक बातें बता दी इस मोड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है भाई अलादीन वाले मोड में। ये बहुत कुछ है वैसे तो वरना बताने के लिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।